विदिशा के गंज बसोदा में ग्राम पंचायत सतपड़ा कला के ग्राम सतपड़ा के लवकुश स्व सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है गेहूं खरीदी केंद्र में आए दिन अनियमितताएं सामने आ रही है। वहीं आज फिर लवकुश स्व सहायता समूह ग्राम सतपुड़ा कला का एक और नया मामला सामने आया है जिसकी वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रही है। वीडियो में अच्छी तरह देखा जा सकता है कि गेहूं खरीदी केंद्र में माल अपलोड करवा कर वेयर हाउस तक ले जाने का काम जिस ट्रक से किया जा रहा था, उस ट्रक में से शासकीय गेहूं किस तरह से चोरी किया जा रहा था जिसकी वीडियो ग्रामीणों द्वारा बना ली गई थी। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर MP07HB0988 था। जैसे इस खबर की जानकारी खाद्य अधिकारी महोदय को लगी, तब जाकर खाद्य अधिकारी द्वारा वेयर हाउस पर ट्रक में भरा गेहूं तुलवाया गया जिसमें 2 क्विंटल 12 किलो 50 ग्राम माल कम पाया गया। वहीं कई ग्रामीण का कहना है कि जब खरीदी केंद्र से माल भरकर वेयरहाउस जाते थे तो लवकुश स्व सहायता समूह के संचालक द्वारा उनका एक व्यक्ति ट्रक में बैठकर माल को वेयरहाउस में माल खाली कराया जाता था। आओ आओ, अरे बिल्कुल कौन और कहाँ के रहने वाले हैं और गेहूं खरीदी केंद्र पर आपका कौन सा पद था? मैं मोर सिंह लोधी, ग्राम सोसेरा करने वाले हूँ, खरीदी केंद्र सतपड़ा कला में आप रहे हैं। अच्छा, अभी जो एक मामला सामने आ रहा है खरीदी केंद्र का कि ट्रक में से शासकीय गेहूं चोरी हो रहा था, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, चोरी तो हुआ है, वो हमें जानकारी मिली थी पैरवासा के सरपंच साहब के माध्यम से कि गेहूं में से दो, उसमें से डम ट्रक में से 2 बोरी गेहूं की उतार ली है। मैंने फिर पूरन को प्रबंधक को फ़ोन लगाया, प्रबंधक ने फिर आदमी भेजे थे तो गेहूं तो पकड़ा गया था कल, वो ड्राइवर पकड़ा गया था, शराब पिए था, उसने गाली भी बकी थी हमें। अभी लॉस में कितना जा रहा है खरीदी केंद्र, कितने कुंटल गेहूं कम हो रहा है? 4-5 दिन पहले हमने जोड़ा था, लगभग 210 क्विंटल की घटती थी। तो इसमें आप कैसे मानेंगे, किस तरह की से ये 210 क्विंटल घटती हो गई? अब अपन इसमें क्या बताएं, क्या ट्रक ड्राइवरों ने कम कर लिया कि प्रबंधक ने साथ में नहीं भेजे, प्रबंधक की लापरवाही या ड्राइवरों की चोरी? तो आप ये मानते कि 210 क्विंटल गेहूँ घटती आई है ना? कुछ संगीन आरोप आप पे भी लगे थे, आपको भी संज्ञान में होगा। वो नहीं, वो पैसों के बारे में लगे थे लेकिन वो झूठे थे, मेरा आधार कोई पैसे किसी ने नहीं। कुछ क्लिप हमारे पास भी आई हैं आपके बारे में, हाँ ही, लेकिन इनमें आपकी रिकॉर्डिंग भी है? नहीं, हमारी नहीं है, ना हमने कोई पैसा लिया किसी से। कैनन न्यूज़ के लिए गंज बासोदा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।